एवरीवन, वेलकम बैक टू माय किचन। आज हम आपको मज़ेदार किस्म की चिकन मसाला कलेजी बनाना सिखाएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं इसको बनाना कैसे है। दो टमाटर लें आप, इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। एक लार्ज प्याज लें और इसको आप चॉपर में चॉप कर लें। 4 to 5 टेबलस्पून ऑयल लें, आप इसको पैन में डालकर गरम कर लें और इसके अंदर आप अपने चॉप किए हुए प्याज इसको डालकर सॉटे कर लें। 1 टेबलस्पून गार्लिक डालें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। एक मिनट के लिए इसको पकाएं। अब आप इसमें अपने मसाले शामिल करें। 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून भुना कुटा धनिया, 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और यहाँ पर 3 से 4 हरी मिर्चें इसको काट कर डाल दें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और तकरीबन 2 मिनट के लिए इसको पकाएं। अब यहाँ पर जो आपने अपने टमाटर को ब्लेंड किया था उसको इसके अंदर मिक्स कर दें और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएं। इसको आप कवर करके 5 मिनट के लिए हल्की आंच के ऊपर पकाएं। यहाँ देखें घी ऊपर आ चुका है और मसाला हमारा अच्छी तरह तैयार हो चुका है। इसको मिक्स कर लें। अब आप इसके ऊपर फ्रेश धनिया डाल दें चॉप्ड और साथ ही पुदीने के पत्ते, वो भी इसको भी चॉप करके आप इस पर डाल दें। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। वन टेबलस्पून लेमन जूस इसमें डाल दें, इसको मिक्स करें। अब आप 1/2 kg चिकन लिवर इसके अंदर डाल दें, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और 4 से 5 मिनट के लिए इसको मज़ीद पकाएं। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून नमक या हसबे जायका नमक आप इसमें डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब 5 मिनट के लिए इसको और पकाएं ताकि इसका तेल अलग हो जाए और आपकी मज़ेदार चिकन मसाला कलेजी तैयार है। इसके ऊपर हरी मिर्चें थोड़ी सी स्प्रिंकल कर लें और साथ ही हरा धनिया। इसको गरम गरम नान के साथ आप सर्व करें। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा।